वेलकम टू भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रावसाहेब डिफेंस पे। बाबू भोकाल 2.0 सीरीज चल रही थी जिसका लेक्चर मैं बात करूं अगले का चौथा पार्ट मैं आज अपलोड कर रहा हूं। बाबू इस वीडियो में जो बात कर रही हूं वो केवल हम 15 सवालों की करेंगे, उसके बाद नई वीडियो आपको मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते सवालों की ओर। बाबू अपने पास इसका हमें क्या करना है, ओपन करना है बेटा। इसको पहले सिंपलीफाई आपको करना ही होगा। क्या करना होगा? सिंपलीफाई करना होगा। बाबू इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर एक्स अपॉन में 2, साइन एक्स अपॉन में 2। बाबू क्या साइन है तो अगर नेगेटिव ये लो सर, इसका करेंगे हम स्क्वायर। नीचे वाले का हाफ फॉर्मूला सर कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, लेकिन दोनों का स्क्वायर। अच्छा जी सर, अब बताओ मुझे क्या ऊपर वाले प्रोग्राम को, क्या मैं ऊपर वाले प्रोग्राम को 2 भागों में ब्रेक कर सकता हूँ? सर कैसे? चलो वैसे आप समझ आओ, इतने तो अनपढ़ हो रहे। चलो ठीक है, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा नीचे वाले को सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर? एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको क्या कहा लिख दो? माइनस में लिख दो। एक बार प्लस में और सर जी एक बार इसको माइनस में लिख दे बेटा। सर माइनस में भी लिख दिया बाबू, मैंने प्लस में भी लिख दिया। अब बेटा इसको काट दो, इस वाली वैल्यू से ये वाला ब्रैकेट कट गया। अब बेटा ऊपर क्या है? नेगेटिव है, नीचे क्या है? पॉजिटिव है। तो बेटा इस वाले फॉर्मूले को टेन इनवर्स, अंदर जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को बेटा मैं क्या लिखूंगा सर? पाई बाई 4 और माइनस का ऊपर माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2। आपको ये डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा बेटा। कितना गया? पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। अब कर दो इसका उलट, माइनस इसका किया तो माइनस का 1/2। ये अपना आंसर, इसका तो खत्म खेल। अब देखो इसको भी 2 मिनट में झाड़ देंगे बेटा। पहले इसको सिंप्लीफाई करो सर, पहले के स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर 2 गुना पहले गुना दूसरे। अब कर देंगे इसका आउटलाइन बेटा। इसका क्या होता है सर? एक होता है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो अंतिम संजीवनी बुट्टी के नाम से प्लेस बनी हुई है, चेक कर लेना बेटा। 2 का किया तो सर 2 क्या कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का किया तो बाबू 0 अपना आंसर। बेटा जब आपके पास अंडर रूट में अगर फंक्शन अगर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसका कर दो ऊपर आउटलर। ऊपर आउटलर करने के बाद हमेशा नीचे क्या आएगा? 2y माइनस का 1 हमेशा आएगा बेटा। कहाँ आएगा? हमेशा। अब बेटा इसका देखो सर वाई डेज तो क्या रिपीट हो रहा है? 10, तो 10 का कर दो आउटलर। तो सर क्या हो गया? 10 का हो गया सेम स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे? 2y माइनस का 1 अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका कर दो आउटलर सर, 10 का किया तो सेक स्क्वायर एक्स, इसका किया तो सर e की पावर एक्स का किया तो e की पावर एक्स है, लेकिन माइनस का 2 भी आएगा प्लस। अच्छा माइनस है क्या? आगे पावर आई तो बेटा 7 3 21 और पावर 1 हो गई कम। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है? 0 रखना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे, और कोस 0 का मान, सॉरी कोस नहीं सेक 0 का मान बेटा 1 और 1 स्क्वायर भी 1। बाबू यहाँ पे रखोगे तो सर कितना जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2। ये इसका काम खत्म। तो बाबू वाई डेज का जो मान है बाबू कितना आया सर? माइनस का 1 आया। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लो अंडर रूट में बेटा। एक ऊपर वाले को क्या लिखूंगा सर? 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखोगे सर। नीचे वाले को क्या लिखूंगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा जी सर, ये बाहर आएंगे तो बेटा क्या बन जाएंगे? कोट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कोट। अगर आपको कोट का अगर आउटलर नहीं आता तो आप क्या हो? खड़ूस इंसान हो। क्या हो? खड़ूस इंसान हो सर, क्योंकि 10 का सेक स्क्वायर और कोट का माइनस का कोसेक स्क्वायर अंतिम संजीवनी बुट्टी के नाम से प्लेस्ड बनी हुई है। बाबू वहां पे जाके चेक कर लेना भाई, ठीक है। अब बेटा इस एक्सपोनेंशियल यानी कि जो ये प्रसार दे रखा है बेटा, इस प्रसार को आप किसके बराबर लिख सकते हो? ex के। बेटा ये जो प्रसार दे रखा है ये ex का ही है। किसका है? ex का। अब आपको क्या करना है? इसका आउटलर ex का बेटा आउटलर करोगे तो आ जाएगा ex ही आ जाएगा। चलो जी अब करते हैं इसका। बाबू y डैश का किया, y का किया तो y डैश, और sin का किया तो सर sin का किया तो cos x हो गया। अब इस एंगल का भी कर दो, एंगल का किया तो बाबू कितना आ गया? 2 x आ गया। ये अपने पास क्या आ गया बेटा? आउटलर आ गया। क्या आ गया? आउटलर सर ये आ गया 2 और y, और y का किया तो dy / dx, ये आ गया 2x = 0। अब बेटा ऐसे बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2
वाई डी वाई डी एक्स बराबर माइनस का दो एक्स, दो से दो कट गया, तो बेटा डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो आंसर हो गया माइनस का एक्स अपॉन में वाई अपना क्या हो गया राइट आंसर। आई होप आपको इस स्लाइड के नौ सवाल आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए हैं तो इस स्क्रीनशॉट ले लो और सवालों को नोट डाउन करने की कोशिश करो, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सवाल नंबर बेटा 10 से लेकर 15 तक क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सवाल नंबर नेक्स्ट क्या लिखा बेटा, इसका क्या करना है, उत्तर करना है सर वाई का किया तो बाबू वाई डैश, अब बेटा साइन क्या करो सर, साइन का क्या होता है कोस होता है, साइन का क्या होता है कोस होता है, अब बेटा हमें किसका करना पड़ेगा एंगल का भी करना पड़ेगा सर, साइन का फिर से किया तो क्या हो गया कोस एक्स हो गया, ये अपना क्या हो गया इसका अवकलन, क्या हो गया बेटा अवकलन। अब बेटा इसका करें सर वाई डैश, दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है, तो सर प्रथम फलन है जी टी और द्वितीय का कर दिया हमने अवकलन, एक्स का तो एक्स और थ्री एक्स का किया तो थ्री, प्लस सर द्वितीय फलन और पहले का अवकलन है, पहले का अवकलन बेटा इसमें कुछ कॉमन वगैरह है तो कॉमन कर लो, छूटा है तो छोड़ दो, एक्स तो कॉमन है सर, एक्स तो आ गया बाहर, स्क्वायर भी कॉमन है यानी तीन भी कॉमन है और स्क्वायर भी कॉमन है, तो बेटा क्या बचा एक्स बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा वन, इसको सॉल्व कर लेना ये अपना आंसर है। अब देखो बेटा ये इम्पोर्टेंट सवाल आता है सर, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ देखो बाबू, ई एक्स है ना, अभी तो अपने पास ई एक्स है ई एक्स है ई एक्स और इनफिनिटी का यानी रिपीट वाला फंक्शन, तो क्या कर दो इसकी जगह इसको छुपा लो, तो क्या दिखेगा वाई, तो इसकी जगह लिख दो वाई, अब बेटा ई के ऊपर है तो क्या करना आपको लॉग लेना है, तो ये हो गया लॉग वाई और इसका लॉग लिया तो ई हट गया यहाँ पे आ गया सीधा ये, अब कर दो अवकलन वन अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये आ गया प्लस और ये आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लो वरना इसको छोड़ दो, इस वाले को इधर बुलाया तो क्या बेटा एक बटा वाई माइनस का वन बराबर में है वाई, इसको आगे सॉल्व करो तो सर डी वाई अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे कितना गया वाई वन माइनस का वाई और बराबर में आ गया वन, और आगे इसको रेक्टिफाई करके सॉल्व करेंगे बेटा तो डिवाइड वाला चला जाएगा मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में, इस सवाल का जो राइट आंसर कितना वाई अपॉन में वन माइनस का वाई। अब करते हैं आगे सवालों को, बाबू ये बताओ अपने पास इस वाले प्रोग्राम को क्या लिखूंगा आंसर लिखूंगा, क्यों क्योंकि बेटा अपने पास ये फॉर्मूला होता है क्या वन माइनस का टेन एक्स और वन प्लस का टेन एक्स, तो बेटा यहाँ पे जो एंगल होता है ना यहाँ पे जो होता है यहाँ पे जब दुगना होता है तो इसका दुगना करेंगे तो एक्स हो गया, तो एक्स का किया तो बेटा कितना गया माइनस का साइन एक्स हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया, इम्पोर्टेंट सवाल है फोर्स में आया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा लॉजिकली सोचो सर, टेन इनवर्स तो ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले को क्या लिखते हैं सर, ऊपर वाले का तो कुछ कर नहीं सकते राम भरोसे है, राम भरोसे है, अब नीचे वाले को, नीचे वाले को सर इसको ब्रेक कर दो सर साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू, अब बेटा कुछ कटे तो काट लो सर, टेन इनवर्स ऐसा कैसा टू से टू कट गया स्क्वायर से एक साइन कट गया ऊपर बचा साइन नीचे बचा कोस, तो क्या गया टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया एक्स बाई टू और इसका क्या करेंगे अवकलन, तो आंसर कितना आएगा एक बटा दो, एक बटा दो, इसको सॉल्व करो सर वाई बराबर, अब बेटा टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, इसको लिखूंगा वन अपॉन में कोस, इसको लिखूंगा साइन बटा कोस, साइन बटा कोस लिखूंगा, बाबू टेन इनवर्स ऐसा का ऐसा, अब सर एलसीएम ले लिया कितना गया बेटा कोस हो गया और या तो कितना गया वन प्लस का साइन हो गया वन प्लस का साइन, अब ये जो सवाल है मैंने अभी अभी जो नेक्स्ट वीडियो था मैंने उसमें करवाया है, ये आपका क्या है होमवर्क बेटा, थोड़ा हिंट देता हूँ इस वाले प्रोग्राम को आप क्या लिखोगे सर कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और इसको क्या ब्रेक करोगे इसको सर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको दो बार ब्रेक करना कुछ कटेगा आंसर कर लेना बेटा, इसको आगे रेक्टिफाई करोगे तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा क्या यार तुम नालायक नहीं सुनोगे, तुम नालायक को नहीं सुधरोगे बेटा, काटोगे तो कितना आएगा पाई बाई फोर और आएगा एक्स बाई टू, आंसर कितना आएगा एक बटा दो, वो भी किसका बेटा प्लस का, क्यों क्योंकि एक्स बाई टू है। अब मैंने ये सारे सवाल जितने भी सवाल
आपको समझाए हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो बाबू स्क्रीनशॉट ले सकता है। और बेटा अगर वोकल 2 पॉइंट अगर मिस कर रहे हो तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम में मुझे बैठे हुए मिस जरूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।